हाई ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मी गाइस वी सैन एंड यू आर वॉचिंग सैन नॉन स्टॉप। तो कैसे के नाम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। वीडियो बड़ी कमाल की है, बड़ी मजे की है। वीडियो है बेस्ट रिएक्शन एवर लिफ्ट प्रैंक। लिफ्ट प्रैंक की जो है वो सजेशन आई थी, मैंने कहा वाई नॉट यार, अगर जो है हंसी मजाक वाली हो ना वीडियो तो फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना तो बनता है। तो बगैर सोचे समझे, बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते वक्त बिल्कुल कंजूसी नहीं तुम लोगों ने करनी। ओके तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे रोहित, मैं जो बोल रहा था वो चिंटू नहीं है सामने वाला, गुप्ता जी का लड़का। हाँ, उसकी दादी प्रेग्नेंट है बे। वो आंटी दादी, मतलब मेरी बात सुनो, लिफ्ट में तो बंदा मतलब कॉल आए ना, तो मैं तो अक्सर अगर ज्यादा भीड़ भाड़ में हो तो मैं कॉल नहीं उठाती। मतलब इस किस्म की, जब हर बंदा आपको सुन रहा हो, अवॉइड ही करती हूँ कॉल अटेंड करने। वो कितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, दादी प्रेग्नेंट है। नहीं सही में मेरे को कुछ कल पता पड़ी, मेरे को शौक हो गया यार। हेलो, हाँ बोलो दीदी। अरे मैं आपकी जींस नहीं पहन के आया यार, मैं ब्लैक कलर की जींस पहन के आया हूँ। मैं आपकी जींस काहे को पहनने लगा, पहले आप ये बताओ मेरे पास जींस नहीं है क्या? ऐसे ही आपने पिछली बार बोला था कि मेरा टॉप पहन गया, मैं अपनी टी शर्ट पहन के आया था और बेइज्जती करा देते हो सब जगह मेरी। वो मेरी टी शर्ट थी ठीक है, पिंक कलर की, हर चीज आपका वो टॉप नहीं हो सकता पिंक कलर का, पिंक के लड़कों का फेवरेट नहीं होता। सही बात है, तो जरूरी है पिंक कलर की चीज, हर चीज आप भी खरीदोगे? नहीं मैंने बहुत बार देखा है आपको, मैं लिप बाम लगाऊं तो बोलते हो मेरी लिपस्टिक लगा ली ठीक है, मैं कंघी करूं तो बोलोगे मेरे हेयर स्टाइल जैसी कॉपी कर रहा है। सब चीज मैं आपकी कॉपी करता हूं क्या? वो दोनों वहां बैठी हंस रही है। मेरे को नहीं पता, मैं तो अपनी जींस पहन के आया हूं ब्लैक कलर की, आपकी तो घर पे जींस। हेलो, हाँ मम्मी। अरे कुछ नहीं, मंदिर आया था भंडारा खाने, चप्पल जो ही हो गई, लेट हो गया मैं। तो हंस रहे हैं, झूठ बोल रहा है। नहीं जूते पहन लिए, एक लड़के के 6 नंबर जूता, देख के जूता पहन लिए मैंने। एक तो मम्मी यार आपने लगाने की ऐसी चप्पल दबाई घिसी के साई, वो भी पता है जाने मेरे से बड़ा ही लीचड़ होगा, वो भी चप्पल ले गए मेरा। नहीं जूते तो अच्छे हैं यार, तो होंगे कम से कम। आंटी जूती देख के गई। हाँ पापा, और मम्मी की तबीयत कैसी है अब? नहीं यार पापा, मैंने तो मन्नत मांगी है, जब तक मम्मी की तबीयत सही नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो खा रहे हैं। नहीं पापा, 5 दिन से भूखा हूँ पता है, कुछ भी नहीं खाया है, एक दाना भी अन्न का। खा रहे हैं वो। आपको तो पता है मैं मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। बात तो सही है। भूख क्या करे, भूख तो लगती है, मम्मी से प्यार भी तो करता हूँ इसलिए रह जाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता। दोस्तों लोग तो पिज्जा पिज्जा सब लोग खाते हैं, कुछ भी मैं तो रह जाता हूँ देख के। यार ये प्रैंक, अब देख लो ऐसा बेटा मिलेगा नहीं, हंस भी नहीं रहा देखो। हेलो, अरे रोहित, मैं जो बोल रहा था वो चिंटू नहीं है सामने वाला, गुप्ता जी का लड़का। हाँ, उसकी दादी प्रेग्नेंट है बे। नहीं सही में मेरे को कुछ कल पता पड़ी, मेरे को शौक हो गया यार। अच्छा उनको पता है वीडियो। नहीं यार मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसा मजाक करूंगा पागल है तू? चाचा बनने वाला वो चाची बनने, नहीं तू तो अबे तू तो ताऊ बनने वाला वो, अबे तू तो कुछ नहीं बनने वाला, वो आएगा वो चाचा बनेगा।
चल ठीक है, लड्डू बंटवा दिए तो और क्या करेगा। मम्मी यार घर पर दीदी नागिन देख देख के खुद नागिन जैसी बन गई है, जब देखो जब मेरे को डसती रहती है यार। कल पापा से पिटवा दिया उनने, बिल्टों से चप्पलों से कुछ नहीं छोड़ा उनने। मैंने इतनी बार बोल दिया आपसे सेक्टा बॉक्स हटवा दो, सेक्टा बॉक्स हटवा दो, आप अच्छा और रिचार्ज करा देते हो उसमें। रुको जरा सबर करो। नहीं अब मैं भी अजगर बन के आऊंगा, तब होगी सही लड़ाई उनमें। हाँ मैं भी निकल जाऊंगा उनको फिर। पापा भी दीदी का। अच्छा ये ओरिजिनल प्रैंक कर रहे हैं। अरे थोड़ा सीधा बीच में हो, हेलो तुम डर क्यों नहीं? अरे पापा मैं ये बोल रहा था, आप मम्मी को मेरे साथ काय को भेज देते हो यार, ये मामा जी के यहाँ पे। अरे तो मम्मी को समझाना चाहिए ना आपको, मामा जी के यहाँ नहीं जाना चाहिए यार। मैं राखी बंधवाने के लिए लेके गया मम्मी के, लेके गया उनके साथ वहाँ पे, उन्होंने मेरे को देख के गुलाब जामुन छुपा के रख लिया। मैं कितने गुलाब जामुन खाता, दो खाता चार खाता। अभी नहीं निकलते, अभी निकलते। नहीं नहीं आप कैंसल, उनको कैंसिल करो। नहीं वो मेरे को दो गुलाब जामुन नहीं खिला पाए, उनको तो शादी में बुलाना, कैंसिल करो मेरी। नहीं उनने दो नहीं खिलाए तो मैं चार कैसे खिलाऊंगा उनको, अपन तो दो प्रोग्राम करते हैं ना शादी में। नहीं मैं शादी तो करूंगा ना, शादी नहीं होगी इसका क्या मतलब है, शादी तो मेरी हो जाएगी पापा। प्रैंक हो रहा है उनको पता। नहीं बस अब आप एक अपना कार्ड बचा लेना, एक कार्ड कैंसिल कर देना मामा जी वाला। अच्छा सेकंड आ गया क्या? ये थर्ड आ गया, मजाक ही मजाक में। अरे तेरे बुलाए जाऊं के मारे। तो नहीं पापा अपन एक काम करेंगे, अपन मामा जी का कार्ड हटा देंगे और मैंने एक अंकल जी देख लिया उनको बुला लेंगे अपन। नहीं नहीं वो मेरे को बिल्कुल अपने जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल खुले मिले। नहीं अंकल जी मेरे को बहुत अच्छे लगे। अरे तो मैंने कितनी बार कह दिया आपसे, मम्मी यार कुत्ते का खाना अपना टेबल पर से उठा के रख दिया करो। रक्षाबंधन थी, बुआ जी आई वो उसी को खा गई। ये बढ़िया था यार, थोड़ा तो देख लिया करो यार, त्योहार वोहार होते हैं, मेहमान आते हैं अपने घर पे यार। यार उसने खाया सो खाया, उसमें जीभ भी मार दी थी तो बुआ जी तो भौंकने लगी उसके बाद। पता नहीं क्या हुआ एकदम से, मैं भी शौक हो गया। अरे उनने कुत्ते का झूठा खाया ऐसा कि इतने जोर जोर से भौंकने लगी वो, फिर मैं तो परेशानी हो गया। हाँ हेलो चिंकी। अरे यार वो मेरे फोन में से पैसे गिर गए यार, पर्स में से पैसे गिर गए यार थोड़े, मैं मॉल आया था यार, कुछ करा देती फोन पे। झूठ नहीं बोल रहा यार, वो पर्स में से पैसे गिर गए यार, वो मैंने उल्टा करके रखा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास यार, मैंने पिज्जा खा लिया यार, वो कह रहा है प्लेट धुलवा लूंगा अगर पैसे नहीं दिए तो। नहीं यार मजाक नहीं कर रहा मैं सच में यार। तू तो जानती है यार मैं झूठ नहीं बोलता।
यार वो बाबू से बाबू भैया बना रहा है यार, प्लेट धुलवा के। ओके गाइस, तो ये थी सारी वीडियो जो कि लिफ्ट प्रैंक था, और कुछ लोगों को तो पता भी चल रहा था, इसलिए मुझे ये चीज पता चल गई कि ये कोई स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं था, ये ओरिजिनल प्रैंक था जो वो लोगों के ऊपर कर रहा था। अच्छा था, फनी था, इंटरेस्टिंग था। लिफ्ट प्रैंक जो है वो आए दिन कोई ना कोई बंदा जो है वो लिफ्ट के अंदर करता रहता है। वैसे जो बंदों की जो मतलब ऐसी लड़कियां होती हैं अंदर, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग और फनी। वो दादी वाला जो प्रैंक था, दादी प्रेग्नेंट होगी, वो तो मुझे सबसे ज्यादा हिलेरियस और फनी लगा, और वो लड़कियां हंस रही थी, और कुछ लोगों को तो अंदर पता भी चल रहा था कि ये प्रैंक चल रहा है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोगों ने कभी किसी के ऊपर प्रैंक किया कि नहीं किया, मुझे जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।